हेलो गाइस। सो रिसेंटली मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला वे अकासा एयर में फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली, एंड दिस वाज माय फ्लाइट, अकासा एयर फ्लाइट व्हिच एक्चुअली स्टार्टेड एट अराउंड 4:30। डिपार्चर टाइम था बैंगलोर से। एज यू ऑल नो, अकासा एयर जो है टर्मिनल 1 से ऑपरेट करता है बैंगलोर के, बेंगलुरु एयरपोर्ट के। बाकी ऑल एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया और इंडिगो, ये दो एयरलाइंस हैं जो टर्मिनल 1 से करती हैं। इसके अलावा विस्तारा और एयर एशिया टर्मिनल 2 से डिपार्ट करती हैं और अराइव भी करती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड मिला टू अकासास A++ सीट, जो इनका यूनिक प्रोडक्ट है। A++ सीट ऐसे सीट्स हैं जो एक्चुअली काफ़ी वाइड हैं, यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ हैं जो आज तक इसके पहले शायद जिनने ट्रैवल किया होगा उन्हें देखा होगा, इनफैक्ट जिसने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया होगा उसको लगा होगा कि यार ये एग्जैक्टली बिजनेस क्लास का ही सीट है। क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी क्या थी कि ये जो एयरक्राफ्ट है जिसमें मैं बैठा था, ये एयरक्राफ्ट पहले जेट एयरवेज को जाना था बोइंग के द्वारा। बोइंग इज़ अ कंपनी विच मैन्युफैक्चरर्स 737 एयरक्राफ्ट। सो ये जो एयरक्राफ्ट था ये पहले जेट एयरवेज को जाना था, लेकिन जेट एयरवेज बंद हो गई तो वो सेम एयरक्राफ्ट अकासा ने लीज़ पे लिया। और इसलिए क्योंकि और ऊपर से सप्लाई चेन का जो इशू चल रहा है कोविड के वजह से इन इन द एयरलाइन इंडस्ट्री, उसके वजह से एयरक्राफ्ट्स में सीट्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ अकॉर्डिंगली एयरलाइंस के मुताबिक जो कंपनीज हैं एयरबस और बोइंग जो जहाज़ बनाती हैं वो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाई थी। इसलिए जैसा उनके सीट्स थे जो एयरक्राफ्ट पहले कस्टमर्स के था, जैसे कि इस बार जेट एयरवेज के लिए ये एयरक्राफ्ट था, तो वैसा मतलब सेम वही लाके उनको दे दिया। तो इसलिए जेट एयरवेज़ ने अपने लिए एयरक्राफ्ट ये ऑर्डर किया था। इसमें ऑब्वियसली जेट एयरवेज़ वॉज अ फुल सर्विस एयरलाइन, आपको पता होगा, जो जस्ट लाइक विस्तारा एंड एयर इंडिया इज़, दे आर ऑल्सो फुल सर्विस एयरलाइन। इसमें फुल सर्विस मिलती है, मील्स होते हैं, एंड दे ऑल्सो ऑफर बिजनेस क्लास सीट्स, बिजनेस क्लास सर्विस इन देयर एयरक्राफ्ट। सो इसलिए ये जो सीट है आपको एक्चुअली है ये बिजनेस क्लास ही, लेकिन अकासा एयर इसको A++ कैटेगरी से मार्केट करती है। और अगर आप जनरली देखा जाए तो इसके एडिशनल पैसे लगते हैं, यानी कि करीब 1,000 से 2,500 के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं लकी था और मुझे ये अपग्रेड फ्री में मिला। की आवश्यकता हो तो हमारे कैबिन क्रू को एक प्रति प्रदान करने में प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर एन इंक्लूसिव ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड कन्वीनियंस ऑफ आवर पैसेंजर, वी विश टू शेयर दैट ऑल आवर एयरक्राफ्ट आर नाउ Emirates इक्विप्ड विद फ्लाइट A380। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्डिक ब्रेक। शुड यू नीड वन, आवर कैबिन क्रू विल बी हैप्पी टू ऑफर यू अ कॉपी। क्योंकि ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ये पार्ट कवर करता है टेक ऑफ फ्रॉम बेंगलुरु, और दूसरे वीडियो में यानी कि पार्ट टू में मैं कवर करूँगा लैंडिंग एंड डिसेंट टुवर्ड्स न्यू दिल्ली। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि DGCA के निर्देश अनुसार विमान में मदिरा पीना और धूम्रपान वस्तुओं जैसे सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, पर्सनल वेपराइजर्स, वेप पेन्स, ई सिगार्स, ई हुक्का, वेपिंग डिवाइसेस आदि का उपयोग और चार्जिंग वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। उड़ान के दौरान सीट जी हाँ गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह घूमना पसंद है और आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप मुझसे टिप्स ले सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं और ताकि मैं आपका एक्सपीरियंस जर्नी का वो बेहतर कर सकूं, और आप होपफुली आपको नए नए आइडियाज़ मैं दूंगा, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप अपनी ट्रिप को काफ़ी मेमोरेबल बना सकते हैं। कुर्सी के नीचे रखे, कुर्सी की पेटी बांध लें। थैंक यू।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो, और शेयर करिए इस वीडियो को। मे बी आपको भी, अगर आप नेक्स्ट टाइम आकाश एयर में ट्रैवल करते हैं तो शायद अगर आपका लक मेरे ऐसा अच्छा रहा तो आपको भी फ्री अपग्रेड मिल सकता है टू अकाशा एयर्स A++ सीट्स। तब तक के लिए ट्रैवल सेफ, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।